नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। क्या हो अगर सुबह आप उठें और आपके घर के सामने कीचड़ में सुअर लौटते हुए देखें और आपके घर के बाहर आने के बाद शहर की ओर जाने का कोई रास्ता ही आपके पास ना हो और रास्ते के नाम पर सिर्फ कीचड़, कचरा और कूड़े का ढेर आपके घर के सामने हो तो कैसा महसूस होगा आपको? निश्चित तौर पर बहुत ही बुरा महसूस होगा। और अगर ये कल्पना किसी मंत्री जी के घर के सामने की हो तब निश्चित तौर पर ये सिर्फ कल्पना ही हो सकती है, हकीकत का इससे कोई वास्ता नहीं हो सकता। लेकिन जिस शहर की, जिस जगह की रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं, वहां पे कुछ ऐसा ही हो रहा है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले के चाक घाट नगर परिषद का। जी हाँ, चाक घाट नगर परिषद वार्ड क्रमांक 12, एक ऐसा इलाका जहां पर रोड के नाम पर सिर्फ कीचड़ से सने हुए रास्ते ही दिखाई देते हैं, जहां पर रहवासियों के लिए कोई भी रोड की व्यवस्था नहीं है और ना ही कचरे उठाने की कोई व्यवस्था है। भले ही देश भर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हों, लेकिन चाक घाट का यह इलाका अब भी पिछले दिनों की तरह से ही है। यहाँ पर जगह जगह कचरे के ढेर देखे जा सकते हैं और जगह जगह पर लगभग हर घर के सामने सुअर लौटते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। चाक घाट का वार्ड क्रमांक 12 है मल्लाहटी टोला, जहाँ पर प्रधानमंत्री आवास के तहत भी कई मकान बनाए गए हैं, लेकिन रास्ते के नाम पर सिर्फ कीचड़ भरी पगडंडियां ही देखी जा सकती है। वहीं कचरों को हटाने के लिए भी कोई उचित प्रबंधन नगर परिषद के द्वारा नहीं किया गया है। इस स्थल की वीडियो हमें भेजी है ददन दयाल तिवारी जी ने, जो इसी मोहल्ले में निवास करने वाले एक निवासी है। कितनी दुखद बात है ना, एक तरफ हम अपने देश के अर्थव्यवस्था को 5 मिलियंस ले जाने की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ दुनिया की महाशक्ति बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम अपने देश के, हम अपने राज्य के लोगों के लिए रास्ते और जल निकास की व्यवस्था तक मुहैया नहीं करा पा रहे। ऐसा नहीं कि ये हालत किसी एक जगह की है, देश प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में ऐसी हालत देखी जा सकती है, जहां पर रहवासियों को ना समय पर पानी मिल पाता है और ना ही सड़कें। ऐसी स्थितियों का सामना देश भर के कई सारे लोगों को हर दिन करना पड़ता है। अब सवाल ये है कि क्या इसी तरह से बनेगा स्वच्छ इंडिया मिशन सफल होगा, या इसी तरह से लोगों को जीवन यापन करने की बेहतर सुविधाएं हमारी सरकारें मुहैया कराने का जो वादा लगातार करती रही है वो सफल हो? निश्चित तौर पे एक बड़ा सवाल है। द खबरदार न्यूज भी देश और प्रदेश की सरकारों से आग्रह करता है कि ऐसे इलाकों का निश्चित तौर पर मुआयना किया जाना चाहिए और जो मूल सुविधाएं हैं, पानी, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उनको सही तरीके से निश्चित किया जाना चाहिए। हर व्यक्ति की मूलभूत जरूरतों को पूरा करना राज्य सरकार और केंद्र सरकार का एक प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए और अगर ये नहीं हो पा रहा है तो निश्चित तौर पर हमारी शासन और प्रशासन की व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं कोई कमी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस रिपोर्ट के बाद स्थानीय प्रशासन का इस ओर ध्यान जाएगा और आने वाले निकट भविष्य में ही चाक घाट के वार्ड क्रमांक 12 के निवासियों को बेहतर जल निकास के लिए नालियां और सड़कें मुहैया कराई जाएंगी। अगर आपके पास भी आपके क्षेत्र को लेकर के कोई समस्या है या आपके क्षेत्र से जुड़ी हुई कोई भी शासन प्रशासन से जुड़ी हुई कुरूतियां हैं तो उन्हें आप वीडियो के माध्यम से हमारे पास भेजिए। द खबरदार न्यूज आपके वीडियो के माध्यम से देश और प्रदेश की सरकारों तक आपकी बात पहुंचाने का काम करेगा। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। यह है नगर पंचायत चाक घाट वार्ड क्रमांक 12। वार्ड क्रमांक 12 में जल निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, हर दरवाजे घर आंगन में सुअर पहुंच जाती हैं। सामने ये देखिए निर्माणाधीन मकान, इसकी नींव बैठ चुकी है इस पानी के कारण। देखिए, इतने लोग यहाँ पर कई वर्षों से निवास कर रहे हैं, ये सब अस्थाई निवासी हैं। इन सब के घर के सामने देखिए क्या हाल है, कैसे ये जीवन यापन कर रहे हैं। बार बार निवेदन किया जाता है लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, शासन और प्रशासन बिल्कुल मूक हैं। ये मेरा मकान है, मैं हूँ ददन प्रसाद तिवारी, चाक घाट, मकान नंबर 103। सब लोगों को कितनी दिक्कत है, देखिए यहाँ पर रोड नहीं है, नाली नहीं है, जल निकास नहीं है। यह सारा परिवार जो है तो यहाँ पर विगत कई वर्षों से रह रहे हैं। देखिए ना, ये मकान नंबर 105 है, 4 है, यहाँ की ये हालत है। ये मल्लाहटी टोला वार्ड क्रमांक 12 नगर पंचायत चाक घाट। यहाँ पर रास्ते का हाल देखिए, ये रास्ते का हाल देखिए, कैसे यहाँ पर लोग रहते हैं। देखिए ना, जीवन यापन करने में यहाँ पर बहुत ही कठिनाई हो रही है। कहीं से भी न रोड है, न पीसीसी है,
कितनी बड़ी दिक्कत है, लोग यहाँ पर नर्क सी जिंदगी जी रहे हैं। ये देखिए देखिए, ये रोड है, इस रोड से लोग कैसे आते जाते हैं। प्रशासन के लोग यहाँ आकर के देखें तो, मध्य प्रदेश शासन के लोग आकर देखें, नगर पंचायत के सीएमओ महोदया से मेरा निवेदन है कि आप स्वयं आकर के देखें कि यहाँ पर किस तरह से लोग रहते हैं और कैसे जीवन यापन करते हैं। इसके संबंध में कई आवेदन वर्षों पूर्व से शहर सरकार आपके द्वार में आवेदन लगाए गए थे और इस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। एक वर्ष पहले आवेदन दिया गया था जिसमें इंजीनियर साहब को पूर्व सीएमओ महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया था कि आप जा करके उसकी रिपोर्ट लगाएं, लेकिन आज तक न यहाँ पर कोई सर्वे हुआ और न ही कोई कार्रवाई हुई। लोग अपने से ये पत्थर बिछा करके और निकलने के लिए जगह बनाते हैं, ये नाली है, इसमें नीचे पाइप, वाटर सेट योजना का पाइप इसमें खोद करके मशीन ने डाल दिया था अंडरग्राउंड और उसको पाटा नहीं गया था, जो नाली का रूप धारण कर लिया। देखिए यहाँ तक बिल्कुल घर के किनारे तक, देखिए बेटी खड़ी हुई है, घर के किनारे तक बिल्कुल कीचड़ भरा हुआ है। ये यहाँ पर पीसीसी रोड पहले बनी थी, लेकिन उसका क्या हाल है, ना यहाँ पर कभी कीचड़ हटाया जाता, ना ही सफाई होती, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब यहाँ का पानी ही नहीं निकलता, अगर ये नाली नहीं खोदी थी तो इस पीसीसी से पानी निकल जाता था, लेकिन इस नाली को खोद देने से यहाँ पर पूरा कीचड़ हो गया, ये कभी भी साफ नहीं होता। देखिए ये प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी आवास योजना के अंतर्गत भवन निर्माण लोग रह रहे हैं और कैसे जीवन यापन कर रहे हैं आपको आश्चर्य होगा। आप देखिए, मेरा निवेदन है, देखिए ना अब इसमें कैसे निकलें, यहाँ पर कितने लोग पीछे रहते हैं, हम आपको दिखाएं कितनी लंबी बस्ती है नदी किनारे तक। इसमें बार बार निवेदन किया गया, लेकिन यहाँ से ये देखिए सब पाइप फूटी है, पाइप का भी पानी इसमें जाता है, कोई सुनने वाला नहीं है। सीवर देखिए पूरा लबालब सीवर भरा हुआ है, यहाँ से वहाँ तक पूरा सीवर भरा हुआ है, कई आवेदन वर्षों से दिए गए लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग आज भी जा रहे हैं, ये जाएंगे सीएमओ महोदया से निवेदन करेंगे, फिर से आवेदन लगाएंगे, शायद न कहें कि आकर के इसका कोई औचित्य निरीक्षण करें और ये रोड बनाई जाए। नारायण शिवम, इस रोड को बनाने के लिए, गौरा रोड को बनाने के लिए टेंडर हो चुका है, 50 लाख रुपए का इसका टेंडर हुआ है, इस रोड को बनाने जा रहे हैं। और जो पीसीसी रोड दिखाए जहां से लोग निवास कर रहे हैं, इन गरीबों की बस्ती की रोड नहीं बनाई जा रही है, इस रोड को बनाने से क्या मतलब। इसका कारण ये है कि आगे जो है तो हमारे ये एक कॉलेज है, उस कॉलेज के लिए रोड बनाई जा रही है, विद्यालय है, विद्यालय के लिए रोड बनाई जा रही है, लेकिन लोग जो मर रहे हैं यहाँ पर तो उनके लिए कोई रोड नहीं बनाई जा रही है, अपने घरों तक लोग नहीं पहुँच सकते। देखिए सीवर का हाल, पूरा लबालब सीवर भरा हुआ है, और जिस बाबा की गली से हम लोग नदी का तक जाते हैं, पूरा वहाँ पर मकान सबका बना हुआ है वहाँ लोगों को रहने के लिए, और ये पानी निकास के लिए कोई भी जगह नहीं है। हमारे वार्ड क्रमांक 12 की वार्ड पार्षद हैं मंजू जी ने भी बहुत प्रयास किए, इनके द्वारा प्रस्ताव किया जाता है, लेटर में लिख करके दिए हैं, आवेदन लगाई हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताएं जनता क्या करे, किस आधार पर। देखिए ये सीवर सब लबालब भरे हुए हैं सीवर, कहीं भी जिसका पानी निकलने वाला नहीं है। इतनी बस्ती, इतने बड़े बड़े भवन यहाँ पर बने हुए हैं, गरीब अमीर हर प्रकार के लोग रहते हैं, जल निकास की कोई व्यवस्था नहीं, इसके लिए जनता कर ही क्या सकती है। जनता की बात यही है कि हम अपना आवेदन पहुंचाते हैं, निवेदन करते हैं बार बार कि इस कार्य को किया जाए, शिविर की व्यवस्था की जाए, पीसीसी बना करके बाबा की गली से सारा पानी नदी में ले जाया जा सकता है, बार बार निवेदन किया जाता है। देखिए ना किस तरह से सीवर भरा हुआ है लबालब, सब लोग नर्क की ज़िंदगी जी रहे हैं, इनके इन मच्छरों से कितनी भयंकर बीमारियाँ। ये देखिए शंकर भगवान का मंदिर, इनके स्वागत में ये पानी नाली, देखते हैं सीवर का पानी रोड पर, और रोड का पानी यहाँ से निकल करके सीवर का सीधे पूरे रास्ते में फैला हुआ है, उस पीसीसी से जाने के लिए जगह नहीं है लोगों को, तो इस तरह से जाते हैं इस कीचड़ में। इतनी बस्ती आगे देखिए आप, इतनी बस्ती बसी हुई है, वहाँ तक जाने के लिए कहीं से भी रोड नहीं है, इसकी जवाबदेही किसकी है। मैं निवेदन करता हूँ अपने सीएमओ महोदया से, निवेदन करता हूँ मध्य प्रदेश शासन से, अपने अध्यक्ष महोदया से,
कि कृपया ध्यान दें जनता के ऊपर। बड़ी उम्मीद के साथ वोट दिए थे, आपको अध्यक्ष बनाए थे, शासन प्रशासन चल रहा है। देखिए सीवर, देखिए किस तरह से भरा हुआ है और सीवर का पानी ये रोड पर जा रहा है। रोड को पार करके ये देखिए वो दूध बेचने वाले भैया आ रहे हैं। इसी तरह से बस्ती में सब लोग जाते हैं, रातों दिन जाते हैं, कैसे जी रहे हैं, थोड़ी दया कीजिए, इंसानियत जिए। अब किसी को नौकरी मिल गई या कोई किसी को अध्यक्ष पद मिल गया तो कृपया उसका सदुपयोग करें। देखें, देखें कैसे आ रहे हैं, ये किस तरह से यहाँ पर लोग जी रहे हैं। अधिक क्या कहें, आप खुद ही समझदार हैं। इसके लिए जो आवश्यक कार्रवाई हो आप आवश्यक कार्रवाई करें। हम आप तक ये बात पहुँचा करके पूर्ण आशा करते हैं, बड़े विश्वास के साथ बार बार वीडियो बना करके आप तक पहुँचाते हैं किस पर कार्रवाई होगी। और वार्ड क्रमांक 12 मल्लाटी टोला नगर परिषद चाघाट जिला रीवा तहसील त्योथर मध्य प्रदेश की इस समस्या को निजात मिलेगी। मेरा निवेदन है कि आप ये PCC और सीवर बना करके हमारे वार्ड क्रमांक 12 वार्ड क्रमांक 10 की गंदगी को दूर करें, यहाँ के लोगों को जीवन दान दें। जय हिंद, जय भारत। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।